हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इंस्टेंट मिर्ची के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर मिर्ची ले ली है, ये मिर्ची लंबी वाली होती है और इसमें कम बीज होते हैं और ये मिर्ची ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी मिलती है। तो मिर्चियों को सबसे पहले मैंने धो दिया है और उसके ऊपर के डंखल निकाल दिए हैं और मिर्ची जब भी सूख जाए उसके बाद इसे लंबे लंबे से मैंने काट लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हो। और इसके बीज मैंने जो थे वो निकाल दिए हैं और साथ ही में मैंने जीरा लिया है, हल्दी पाउडर, हींग पाउडर और नमक। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अचार बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गरम होता है इसमें हमें एक चम्मच भर के जीरा डालना है। जीरा अच्छे से फूट जाए उसके बाद ही इसमें हमें आप पौनी चम्मच हींग पाउडर डालना है और हींग पाउडर की जैसे ही खुशबू आने लगे इसके अंदर हमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। और ये सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। अभी इसके अंदर हमें जो हमने मिर्चियाँ काट के रखी थी वो मिर्ची डालनी है और मिर्चियों को पानी सूखने के बाद ही इसमें डालिएगा। तो अभी मिर्ची को हमें अच्छे से तेल और मसाले में भून लेना है और ये अचार आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी वाला अचार बनके तैयार होता है। तो अभी इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और अभी इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से हमें नमक डाल देना है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा तो फिर भी चलेगा, अचार में वैसे भी नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगता है। नमक अभी डाल दिया है और अभी इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी और इसे थोड़ा सा मैं भून भी लूँगी साथ ही साथ, ताकि मिर्चियाँ ऊपर नीचे हो जाए और ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। अभी इसे ढक्कन से हमें ढक के एक मिनट तक पकाना है, लेकिन एक मिनट के अंदर इसे बीच में अच्छे से मिलाते रहिएगा ताकि मिर्चियाँ नीचे से जल ना जाए। तो अभी एक मिनट हो चुके हैं तो अभी हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो देखिए मिर्ची का कलर बदली हो चुका है और मैंने बीच में एक बार अच्छे से मिला दिया था और नीचे से देखिए थोड़ी सी मिर्ची का कलर बदली हो चुका है। और बस ये स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और ये मिर्ची हमारी बनके इंस्टेंट मिर्ची का अचार बनके तैयार हो चुका है। और इसे एकदम ही ठंडा होने के बाद आप कांच की किसी भी बर्तन में स्टोर कर लीजिए। ये 15-20 दिन तक बहुत अच्छा रहता है और इसे फ्रिज में रखिए, बाहर रखिए, बहुत टेस्टी अचार बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, बाय बाय।